दोस्तों साल 2017 में 4 आतंकी जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में घुस आए, तब सीआरपीएफ के कमांडेंट चेतन चीता को यह खबर मिली। उन्होंने खुद आतंकियों का खात्मा करने के लिए अपनी टीम का नेतृत्व किया, लेकिन आतंकियों को उनकी जानकारी हो चुकी थी। वे घात लाकर बैठे थे। सीआरपीएफ की टुकड़ी के पहुंचते ही आतंकियों ने फायर शुरू कर दिया। एक साथ चली 30 गोलियों में से 9 गोलियां कमांडेंट चेतन चीता को लगी। घायल पड़े चेतन चीता ने काउंटर अटैक किया और एक आतंकी को ढेर कर दिया। उन्होंने कुल 16 राउंड फायर किए थे। बाकी 3 आतंकियों को उनकी टीम ने मार गिराया। चेतन चीता बुरी तरह से घायल थे और उनके साथी उनको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों की टीम ने हार मान ली थी, क्योंकि एक गोली उनकी दाई आंख में लगी थी और काफी गोलियां लगने से उनके शरीर की काफी हड्डियों में भी फ्रैक्चर हो गया था। मौत एकदम करीब थी, लेकिन कई सफल ऑपरेशन से उनकी जान बच गई और ठीक होने के बाद उन्होंने वापस ड्यूटी ज्वाइन की। चेतन चीता की वीरता और अदम्य साहस के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों कमांडेंट चेतन चीता की बहादुरी को मेरा एक सलाम।